गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग गद्य संकलन पढ़ेंगे, चैप्टर 7, क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी रचना है। द्विवेदी जी ने यह निबंध हमारे समाज की आज की स्थिति के ऊपर लिखा है। पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। यहाँ पर निराशा का अर्थ है कोई आशावादी दृष्टिकोण ना रखना, कोई उम्मीद ना रखना। तो जैसा कि शीर्षक है कि क्या निराश हुआ जाए, यानी कि हमें निराश होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है समाज में जिसकी वजह से हम निराश हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी देखते हैं न्यूज़ चैनलों पर या अखबारों में पढ़ते हैं कि आजकल चोरी, डकी, ठगी, डकैती, तस्करी की घटनाएं क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। और अगर इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी तो धीरे धीरे समाज का पतन होने लगेगा और जो समाज की जो अच्छी बातें हैं वह खत्म हो जाएंगी और समाज में बुराइयाँ बढ़ती जाएंगी। इसी बात के ऊपर द्विवेदी जी ने यह निबंध लिखा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए ऐसी घटनाओं को देखकर, क्योंकि आज भी समाज में अच्छाई जीवित है और हमारी भारतीय संस्कृति व भारतीय सभ्यता ने इतनी अच्छे संस्कार दिए हैं, यानी हमारे भारतवर्ष के लोगों के अंदर जो अच्छे संस्कार हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। और इस वजह से अगर बुराई बढ़ रही है तो अच्छाई भी कहीं ना कहीं है और हमें यह आशा रखनी चाहिए कि वह अच्छाई धीरे धीरे लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और हमारा समाज जो है वो उन्नति करेगा। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह भी दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार हैं। परिस्थितियां कितनी भी परिवर्तित होती रहें लेकिन इसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छा काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार से भरे रहते हैं, जिन्हें पढ़कर उनका मन बैठ जाता है। लगता है आजकल देश में कोई ईमानदार नहीं रह गया, हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से दिखाया जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही दोष दिखाई देते हैं, हम हर किसी में दोष देखने लगे हैं, यह चिंता का विषय है। तो लेखक कहते हैं कि उनका मन जो है कभी कभी बहुत उदास हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है जब वो समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी इस तरह के समाचार अखबारों में जब पढ़ते हैं तो उनका मन जो है बहुत दुखी हो जाता है। तो लेखक पूछते हैं कि क्या यही वो भारत है जिसका सपना तिलक, गांधी ने देखा, स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुषों का यह देश कहाँ है? क्या वह कहीं गहवर में डूब गया है? लेखक कहते हैं, मेरा मन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे मनुष्यों के सपनों का भारत और रहेगा है और रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों ना दिखाई दे रही हो, नीचे शांत, अचंचल, गंभीर में अब भी भारत महान है और रहेगा। यह सही है कि आज ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह यानी कमजोर और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, झूठे फरेबी फल फूल रहे हैं, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आज से 400 साल पहले भी तुलसीदास जी ने ऐसा ही माहौल देखा था, लेकिन उस समय धन के प्रति लोगों में इतना मोह नहीं था। आज धन संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। लेखक कहता है उस समय तुलसीदास जी ने तथा उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी जीवन के महान मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी, आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत साल पहले मनुष्य द्वारा निर्मित गलत नीतियों की देन है।
हमारे सामाजिक नियम कानून पुराने आदर्शों से टकरा रहे हैं, जिसके कारण आजकल हलचल मची हुई है। कई बार निरीह व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ता है, यानी कमजोर व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ता है। तो लेखक के शब्दों में, मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटियुक्त होती है। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से परिचित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे ऊपर सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को भी महत्व नहीं दिया। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि बुराइयां व्यक्ति में पहले ही विद्यमान रहती हैं, पर अपने मन को उनके इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। भारत ने इन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखा है, परंतु भूख की बीमार के लिए दवा की और गुमराह को सही रास्ते पर लाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। थैंक यू सो मच बच्चों, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।